दोस्तों आपने कभी रिफाइनरी ऑयल की कंपनी देखी होगी मूवीज़ के अंदर या एक्चुअल में भी देखी होगी। तो दोस्तों वो जो रिफाइनरी ऑयल की कंपनी होती है उस कंपनी के ऊपर एक फ्लेम होता है दोस्तों जो हमेशा जल रहा होता है। तो वो जो फ्लेम है दोस्तों क्यों जलता रहता है हमेशा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसी बारे में जानते हैं इस वीडियो में। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो मेरे साथ धीरे धीरे भागते भागते नहीं बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखो। तो इसके पीछे का एक नॉर्मल सा रीज़न है दोस्तों। रीज़न ये है दोस्तों, अभी नॉर्मली अगर कोई रिफाइनरी ऑयल कंपनी जो काम कर रही होती है वो डे बाय डे काम करने में उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी एक क्रूड ऑयल से वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। डीजल, पेट्रोल, जेट इंजन का ऑयल, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं क्रूड ऑयल से जब वो बना रहे होते हैं डे बाय डे के काम के अंदर। तो उस टाइम में दोस्तों कभी कभार ऐसा हो जाता है उस कंपनी के अंदर कि आपातकालीन सिचुएशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, सोच लो लाइट चली गई और काम रुक गया, तो उस टाइम में क्या करेंगे। तो उस टाइम में दोस्तों कुछ गैसेस जो है कंपनी के अंदर छूटती रहती है। अभी वो जो गैसेस है दोस्तों जिंदा अगर एनवायरनमेंट में उसे छोड़ते तो उससे कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम लोगों को ना हो इसके लिए वो जो केमिकल है दोस्तों उसे जला दिया जाता है, यानी वो जो फ्लेम है दोस्तों ऐसी चीज़ों को सीधा जला के उसे एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। अगर जल गया तो पीछे उसके कोई अवशेष नहीं बचे, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके पीछे का एक रीज़न ये है। उसके बाद में दोस्तों उस फ्लेम के ऊपर ऐसे नहीं कि एक बार चला दिया और छोड़ दिया, उसके ऊपर दोस्तों एक रिफाइनरी ऑफिसर जो है दोस्तों कंट्रोल रूम से हमेशा ध्यान रखता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें बिगड़ रही है या नहीं बिगड़ रही है या कॉन्स्टेंट सभी चीज़ें चल रही है। उसके अंदर हमेशा हाइड्रोकार्बन जलाया जाता है। कभी कभी क्या होता है वो जो फ्लेम है दोस्तों उस फ्लेम से काला धुआं निकलता है। अभी काला धुआं कब निकलता है, जब हाइड्रोकार्बन जलाने के लिए वहाँ पे जो भाप है या आँच है कम पड़ जाए, तो उसके बाद में वो ऑफिसर्स वहाँ पे आते हैं, वो जो भाप है दोस्तों वो फिर से कॉन्स्टेंट करते हैं, जैसे पहले चल रही थी उसी तरीके से करते और फिर से वो काम करने लग जाते। आपको समझ में आया, कुछ ऐसे केमिकल्स जिन्हें एनवायरनमेंट में आप जिंदा नहीं छोड़ सकते उन्हें जला दिया जाता है और कॉन्स्टेंटली वहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो है जलाया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए वो जो फ्लेम है दोस्तों वहाँ पे हमेशा जलती रहती है एक रिफाइनरी ऑयल कंपनी के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो ये जानकारी आपको बताई आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपका, कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करके पूछो मुझसे कि आपको क्या समझ में नहीं आएगा। कमेंट सेक्शन में आपको मैं ये चीज़ समझा दूंगा। और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।